कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण अमेरिकी दंपति को परेशानी हो गई है। ये दंपति पिछले 12 साल से रांची में है। फ्रांस केसलर रांची के ओरमांझी में बच्चियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं, वहीं उनकी पत्नी रोज स्कूल चलाती है। उन्होंने सरकार से सहयोग की अपेक्षा की है। इस परिवार से सहयोगी राजेश कुमार ने बातचीत की। को परेशानी हो रही है कोरोना वायरस को लेकर, जो माहौल बना है पूरे देश दुनिया में उसको लेकर थोड़ी सी इन्हें परेशानी है। ये ओरमांझी में फुटबॉल कोच हैं और इनकी पत्नी जो है ये प्रिंसिपल हैं, पढ़ाती हैं, टीचर है बेसिकली। हिंदी ये लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी समय से इंडिया में रहे हैं रांची में। अभी आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? तो बेसिकली इस टाइप सिचुएशन एकदम अनप्रेसिडेंटेड है, पहले बार की इस टाइप सिचुएशन आया दुनिया में। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग काम करते हैं गांव में, हाँ ओरमांझी में, थोड़ा पैनिक आया, तो लोग थोड़ा पैनिक कर रहे हैं और इस टाइप सिचुएशन हम लोग के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकते हैं, हम लोग का परिवार के लिए। हम लोग के पास एक छोटा बाची है, 7 महीने का बाची है, तो इसलिए हम लोग शिफ्ट किया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था गांव में। तो हम लोग दो तीन ग्रामीण स्तर पे आपको समस्याएं लोगों से हो रही थी, कुछ अजनबी टाइप से तरीके से आपको बिहेव कर रहे थे। तो गांव में हम लोग के पास बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट पूरा सारे युवा परिवार से और लोकल मुखिया से है, मिस्टर अराउंड, लेकिन कोई लोग है कि परेशान हम लोग को दे रहे, इसलिए हम लोग शिफ्ट किया। चाहते कि अमेरिका चले जाए? हाँ, लेकिन मेरे हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो आई एम गोइंग टू आंसर इन इंग्लिश इफ दैट्स ओके। सो वी आर ओनली गोइंग टू अमेरिका ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोरोना वायरस, एंड वंस एवरीथिंग सेटल्स डाउन वी विल रिटर्न टू ओरमांझी एंड कंटिन्यू आवर वर्क। There's a lot of fear in the villages. Coronavirus is something that is unknown, and many people do know that it came from outside of India. And so for people who are uneducated in the villages, they might think that just because we are foreign, we might have the virus. आप क्या चाहते हैं? यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन है, आपको पता है, कोई मूवमेंट नहीं है, न ट्रैफिक सिस्टम कोई है, ना आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं, ना रेल है, ना हवाई यात्रा कर सकते। क्या आप चाहते क्या हैं, कैसे जाएंगे आप? हम लोग US एम्बेसी से बात कर रहे हैं। बेसिकली अभी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है कि छोटा प्राइवेट प्लेन से दिल्ली जा सकते हैं, दूसरे ऑप्शन नहीं है क्योंकि बस नहीं जा सकते हैं, गाड़ी नहीं जा सकते हैं, बाय रोड से कोई ऑप्शन नहीं है, रेल ऑप्शन नहीं है, खाली एक ऑप्शन है, ये फ्लाइट है। तो हम लोग US सरकार से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फ्लाइट बुक कर रहे दिल्ली जाना, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग सरकार से बात किए थे, UP सरकार से बात किए थे, वो बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, रोड से जाएंगे। देन क्या करेंगे आप, मतलब जो पॉसिबल नहीं है? हम लोग US एम्बेसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक एरोप्लेन, चार्टर प्लेन, क्योंकि छोटे वाले चार्टर प्लेन होगा यहाँ से, और झारखंड सरकार से परमिशन मिल सकते हैं शायद, अगर US एम्बेसी बुक करते हैं। तो ये हम लोग का रिक्वेस्ट है US एम्बेसी को। झारखंड सरकार शायद मदद कर सकती है, और ये दिल्ली चले जाए तो फिर अमेरिका जाने के लिए इनके पास इंतजाम है, चूँकि अमेरिकी फ्लाइट आएगी दिल्ली, तो फिर वहाँ से वो अपने देश यानी अमेरिका वापस लौट सकते हैं। इनकी समस्या का समाधान कैसे होता है ये देखना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन्हें सहयोग करे। कैमरामैन नवल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।